अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हुमा सादत। वर्ल्ड विमेन फाउंडेशन में फ़ाइन आर्ट की क्लासेस देती हूँ। फ़ाइन आर्ट में आपको पता है बहुत कुछ आ जाता है एक साथ। फ़ाइन आर्ट के अंदर स्केचिंग हम डिटेल से सिखाते हैं, बेसिक एडवांस करके कोर्सेज सिखाते हैं, ऑयल पेंटिंग बेसिक एडवांस करके कोर्सेज सिखाते हैं, इसके अलावा पोर्ट्रेट का एक कोर्स है, और भी बहुत कुछ है, कॉलाज है, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, नाइफ पेंटिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ सिखाते हैं। हमारी वन डे क्लासेस भी होती हैं 2 मंथ, और 1 मंथ के शॉर्ट एंड लॉन्ग कोर्सेज भी होते हैं। आप हमारे चैनल्स को जो है ना सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियोस, लाइक कीजिए, और प्लीज़ वॉच कीजिए हमारी तमाम वीडियोस तमाम टीचर्स की। आज जो मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ वो ऑयल पेंटिंग थीम है, और आज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम तब ऑयल पेंट है, एक्रेलिक बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। किस तरह से सिर्फ जस्ट ऑयल पेंट इस्तेमाल करते हैं वो बताएंगे आपको। पीछे तमाम तर असाइनमेंट हमारे ऑयल पेंट के लगे हुए हैं, जैसे कैलीग्राफी आप आसानी कर सकते हैं नाइफ के साथ पीछे लगी हुई है। इसके अलावा आप जो है लैंडस्केप बना सकते हैं, सीस्केप बनाइए, ब्लैक एंड वाइट थीम भी पेंटिंग बन सकती है। जैसे कि हम लोग सिर्फ सोचते हैं कि ब्लैक एंड वाइट अगर कुछ बना हुआ है कैनवस के ऊपर या घर के अंदर कुछ फ्रेम हुआ हुआ है तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो चारकोल या पेंसिल से काम हो, नहीं, ऑयल पेंटिंग से भी आप लोग आराम से ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग्स बना सकते हैं। तो आज हम एक कलरफुल लैंडस्केप बनाने जा रहे हैं, आइए देखते हैं। देखिए मेरे साथ और लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले हम स्केच करेंगे। अगर कलर असाइनमेंट कोई बना रहे हैं तो आप कलर पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना फिर आप कोई HP या फिर नॉर्मल पेंसिल जो हम यूज़ करते हैं आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्केच करेंगे। मैं एक माउंटेन बना रही हूँ। कलर्स में मैं यूज़ कर रही हूँ वाइट, जो कि जिंक या टाइटेनियम वाइट के इस पर आता है। ये है हमारा पैथेलो ब्लू, ये अल्ट्रा मरीन है, ये वर्डियन ग्रीन है जो कि एक्वा ग्रीन इस तरह से आ जाता है, ये आपका सैप ग्रीन हो गया, लेमन येलो, बर्नड अम्बर, येलो ओकर, बर्नड साइना, और थोड़ा सा मुझे कहीं अगर डेप्थ दिखानी होगी तो ब्लैक यूज़ करूँगी। जस्ट ये कलर्स हैं। हम यूज़ कर रहे हैं लिंसिड ऑयल, ठीक है, या फिर आप टर्पेंटाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम फ्लैट ब्रशेस का इस्तेमाल करेंगे। जब हम वाटर कलर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक्रेलिक यूज़ कर रहे होते हैं, तब हमें चाहिए होते हैं इस तरह के राउंड ब्रशेस, ठीक। लेकिन हम कर रहे हैं ऑयल पेंट का इस्तेमाल तो हमें चाहिए फ्लैट ब्रशेस, ठीक। ये इससे हम स्टार्ट करें। सबसे पहले थोड़ा सा लेंसेड ऑयल लगाया, देन मैंने वाइट कलर लिया है, ये स्मूथ सी एक लेयर लग गई। अब मैंने वर्डियन ग्रीन लिया है। जितना आप ऊपर की जानिब जाएंगे लाइट करते जाएंगे कलर्स को, नीचे डार्क रखेंगे। थोड़ा सा कर्व हाथ चलाइए तो ये ब्लर ब्लर से क्लाउड बना रही है। अब जो मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ ये फिलबर्ट कहलाता है। ये देखिए ये फिलबर्ट ब्रश यूज़ कर रही हूँ, नंबर 2 इस्तेमाल कर रही हूँ इसका मैं, ठीक है। इससे स्काई वगैरह बनाने में आसानी होती है, ग्रीनरी इन सारी चीज़ों में यूज होता है। ये देखिए अब राउंड शेप्स आराम से निकल आए। देखें स्काई हमारा तकरीबन पूरा हो गया है, फिलबर्ट हम नहीं यूज़ कर रहे। अब हम आएंगे अपने माउंटेन की तरफ। तो मैंने देखें नाइफ इस्तेमाल करूँगी इसके लिए। पहले मैं लगाऊंगी बर्न अम्बर की, ये जो मैंने लाइन डाली थी इधर लाइनिंग करूँगी थोड़ी थोड़ी सी जहाँ पेंसिल से स्केच किया था। इस तरह से हल्का सा हमने बर्न नंबर कलर लगाया है। अब मैंने लिया है साइना, इसे कहते हैं बर्न साइना। देखिए अब मैं ये येलो होकर कलर
येलो करके इस तरह से लाएंगे। ब्लैक यूज करेंगे अभी हम बाद में। देखें आप, इसी नाइफ पे हमने वाइट रंग लिया है, बहुत हल्के हल्के हाथ से। अब हम वापस बेस ब्रश की जानिब आए। अच्छा, एक मैंने थोड़ा सा हार्ड ब्रश लिया है, नंबर 3 है ये, और एक मैंने नॉर्मल सॉफ्ट ब्रश है, और ये हमारा 14 नंबर का ब्रश है किट के अंदर। ठीक, अब हम ग्रीन शेड्स यूज करेंगे। जी, दोबारा हम फिल्बर्ट ब्रश ले रहे हैं और इसको वर्डियन ग्रीन को पैथेलो ब्लू से मिक्स करके एक डार्कर शेड दे रहे हैं। अच्छा, इसमें टेक्सचर डालना होता है, इतना नहीं है कि आप एक एक जो है ना लीफ बैठ के बनाएंगे, सिर्फ टेक्सचर वर्क ऑयल पेंटिंग के अंदर ज़्यादातर इस तरह से। बस फिल्बर्ट यूज़ करते हुए है वही टैपिंग का स्टाइल, क्योंकि फिल्बर्ट थोड़ा सा राउंड होता है, इसलिए थोड़ा सा लीफ का लुक अच्छा दे देता है, इफेक्ट अच्छा आ जाता है इसका। और ऐसे वाइट कलर, अभी हमने वही ब्रश यूज कर रहे हैं जो हम यूज कर रहे थे, क्योंकि उसके अंदर शेड मौजूद है ताकि पानी के अंदर वो तमाम शेड्स आ जाएं। अच्छा, जितना लास्ट एरिया की तरफ आएंगे, नीचे आते चले जाएंगे, उतना हम लाइट करते जाएंगे पानी को। अच्छा, चूंकि पानी के अंदर रिफ्लेक्शन आएगा, तो एक ये वाला सिंपल कलर देने के बाद रिफ्लेक्शन के भी शेड्स आते हैं। इस तरह से हमने बेस कर दी थी, उसके बाद एक टेक्सचर डाला था ग्रीनरी का टैपिंग से। इस तरह हो गया। अब हम थोड़ा सा ही सेंटर एरिया में काम करेंगे।
ये वाला ब्रश ले लिया हमने। अच्छा, मैं छोटे छोटे से ये स्टोन्स बना रही हूँ यहाँ, हल्की सी डिटेलिंग जो लास्ट की है वो देकर फाइनल लुक देंगे। अच्छा, हमने जो ऑयल पेंटिंग की आज पेंटिंग क्लास दी आपको, उसकी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। मैंने लैंडस्केप बनाया राउंड कैनवस के ऊपर, ये तकरीबन कंप्लीट हो गया है, फुल कंप्लीट है। सामान आप लोगों को समझ आया हो, किसी किस्म का कोई सवाल करना हो हमारे कमेंट्स में जाके आप हमें सवाल कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो, कोई फीडबैक देना हो आप ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को वॉच कीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस जो आने वाली हैं और टीचर्स की वो भी ज़रूर देखिए, और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।